नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले एसएससी सीएचएसएल 10 प्लस 2 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे ऐसा नहीं कि आप केवल सेंटर रीजन के हो या किसी भी रीजन के हो, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एडमिट कार्ड आपको कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों एडमिट कार्ड आपको मिलेगा rozgarrizult.com पर। जी हाँ दोस्तों, एक पुरानी एक भरोसेमंद वेबसाइट rozgarrizult.com। आप इसका मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिस पर आपको सारी जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ, फिर हम आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके भी दिखाएंगे। दोस्तों जी दूसरी वेबसाइट का मैं नाम ले रहा हूँ, उसका नाम है sarkaririzult.com। दोस्तों गूगल पे जब भी सरकारी रिजल्ट लिखिए लास्ट में .com जरूर चेक कीजिए। अगर आपके मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर पे कहीं भी सरकारी रिजल्ट खुली है तो चेक कीजिए उसमें .com लगा है कि नहीं। अगर नहीं लगा तो नकली और फेक वेबसाइट है। तो सीधा हम एसएससी सीएचएसएल के एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों बता दिए 2020 वाले एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको नीचे आना है। बता दें इसमें कई रीज़न में एसएससी जो एग्ज़ाम कराता है, तो आपको रीज़न आपका पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको रीज़न नहीं पता होगा तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत आएगी, जैसा कि बहुत से कैंडिडेट हमको कमेंट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने फॉर्म पे आप चेक कीजिए, जो एग्ज़ाम सेंटर लिखा हुआ है उस पर बगल में एक कोड लिखा होगा CR NR MPR, इस तरीके से लिखा होगा। पहले मैं आपको उसके सारे जो है रीज़न दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं एसएससी अलग अलग टोटल जो है 9 रीज़न में एसएससी जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड का NR रीज़न में होता है, और इसी तरह उत्तर प्रदेश, बिहार का सेंट्रल रीज़न में होता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का ईस्टर्न रीज़न में होता है। तो जिस भी रीज़न में आपने भरा उसी रीज़न में एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपने दिल्ली रीज़न में भरा तो आपको NR पे जो है क्लिक करना पड़ेगा, तो NR की वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको जो है सेंट्रल रीज़न का डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो सेंट्रल रीज़न का डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कई ऑप्शन है डाउनलोड करने की। जैसे कि मैं अगर बात करूँ पहले ऑप्शन की, पहला ऑप्शन है आप रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एग्जाम सिटी डालिए और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। अगर मैं दूसरा ऑप्शन की बात करूँ, अगर आपको रोल नंबर पता हो तब आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन रोल नंबर पता होने का सवाल नहीं उठता है। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जिस ऑप्शन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। ये ऑप्शन है दोस्तों कि आपको अपने नाम का 4 लेटर डालना है। मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए आपका नाम है सुरेश तो आपको SURE डालना है, केवल इतना डालना है। पिता के नाम आपका है रमेश तो RAME डाल देना है। केवल इसी तरह 4 लेटर ही आपको डालने हैं और इस तरीके से कैप्चा डालना है। तो दोस्तों मैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही जो है इसको जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैंने अपना एग्जाम सेंटर जो है सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है उसको डाल दिया। जैसे ही मैं कैप्चा डालूंगा आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर होगा, तभी जो है ये जो है ग्रीन होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फॉर्म पे भी मिल जाएगा आपको। तो मैंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। अब मैं सर्च करके आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों जैसे आप सर्च करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्टेटस जो ओपन होकर आ जाएगा, और उसी के ठीक नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी परीक्षा की तिथि आ जाएगी, शिफ्ट आ जाएगी, आपका समय आ जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा। और ठीक उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि आपको दे रहा है कि एग्ज़ाम 22 अप्रैल 2021 से, और एडमिट कार्ड आप जो है 18 अप्रैल 2021 से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि एग्ज़ाम के जो है 4 दिन पहले। और एक चीज़ और बता दूँ, एडमिट कार्ड केवल 5 बार ही जो है डाउनलोड होता है। अगर आपने इस तरीके का प्रयोग किया और प्रयोग करने में अगर आपने कर दिया तो आपका एडमिट कार्ड लॉक हो जाएगा और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है चेक अनदर कैंडिडेट, ठीक इसी के बगल में प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन उसमें काउंटडाउन लगा रहता है, यानी कि केवल 5 बार ही आप उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। लेकिन दोस्तों एडमिट कार्ड में प्रयोग मत कीजिएगा। अगर आपका एक बार या दो बार में एडमिट कार्ड नहीं निकलता है तो किसी साइबर कैफे वाले या किसी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।